रीनीट परीक्षा के नतीजे घोषित। एनटीए की वेबसाइट पर संशोधित स्कोर जारी। 6 जुलाई से हो सकती है मेडिकल में दाखिले की काउंसलिंग। आज से संसद की कार्यवाही फिर से शुरू। नीट मामले को लेकर संसद में हंगामे के आसार। कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। संसद के बाहर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा बीजेपी के तीन हैं भाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद से संसद के दोनों सदनों में मुद्दों पर चर्चा। जबरदस्त हंगामे के आसार। लोकसभा अध्यक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग का आज से आगाज। देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। नए कानून को लेकर पोस्टर्स के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर लगाए गए पोस्टर्स। 163 साल पुराने आईपीसी और सीआरपीसी को बदला गया। देश में आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाद भी 3 नए कानून के लगाए गए पोस्टर्स। नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करना मकसद। नए कानून में महिला और बाल अपराध की जांच को प्राथमिकता। दंड से ज्यादा अब न्याय और सुरक्षा पर जोर। एफआईआर से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। डिजिटल इंडिया के मॉडर्न कानून से किसी भी थाने में 0 एफआईआर की सुविधा। थानों में ईमेल भी दर्ज कराएं शिकायत। हर जिले में होगा मोबाइल फोरेंसिक यूनिट। आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषयों भी जोड़े गए हैं नए कानून से। आम आदमी, पुलिस, वकील और कोर्ट के कामकाज में होगा बदलाव। नए कानून नए केस पर लागू होंगे जबकि पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही चलेंगे। नए कानूनों में नए कई केस में लगने वाली धाराओं का क्रम बदला गया है। 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए मामले ट्रायल और तहकीकात पर नए कानूनों का असर नहीं होगा। 1 जुलाई के बाद होने वाले अपराधों के मामले पर नए कानून के तहत ही वो दर्ज किए जाएंगे। द्वारका में दिल्ली पुलिस के नए ट्रेनिंग ऑफिसर्स को दी गई नए कानून की जानकारी ताकि जांच पड़ताल और आगे की कार्रवाई में ना हो परेशानी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का तांता। अमरनाथ की पवित्र गुफा में संध्या आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। अमरनाथ मंदिर में दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। 2 दिन में 30,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय अमरनाथ जय भोलेनाथ के जयकारे। जगह जगह भक्तों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था। इस जून से हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। 19 अगस्त को बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का होगा समापन। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का तांता। एक और जत्था बेस कैंप से रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कमिश्नरेट दिवस परेड में शामिल हुए। जवानों ने सलामी दी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने धार्मिक नेताओं से मुलाकात की। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पंथा चौक पर यात्री निवास का जायजा लिया। अमरनाथ श्राइन के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। गाजीपुर में सूर्य कुमार यादव के दादाजी ने केक काट का जीत का जश्न मनाया। वर्ल्ड चैंपियन के गांव में झूमे लोग। भारत माता की जय और सूर्य कुमार यादव जिंदाबाद के नारे। दादाजी बोले सूरज की तरह चमकता रहेगा मेरा सूर्य। आंध्र प्रदेश मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने तिरुमाला भगवान बालाजी के दर्शन किए। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। अहमदाबाद की छात्राओं के लिए अनोखी पहल। लड़कियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा डीजे की ऊंचाई तक तय सीमा से अधिक नहीं हो। राज्य की ऊंचाई परंपरा के अनुसार हो। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट बनी अफसर बिटिया का यूपी के मैनपुरी में जोरदार स्वागत। परिवार के लोगों को बधाई दी। गलियों में ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने अभिवादन किया। दादी ने पोती के साथ डांस किया।
कोयम्बटूर में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन, इसरो वैज्ञानिक मायला स्वामी अन्नादुरई ने बच्चों को सम्मानित किया। अजमेर में पटेल सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आयोजन, मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल हुए। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन की शुरुआत की, पिनुमाखा गांव में लाभार्थियों को उनके घर जाकर वितरण किया। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के औपचारिक पोशाक और खेल किट का शुभारंभ, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, हरदीप पुरी, पीटी उषा समारोह में शामिल हुई। खिलाड़ियों को ड्रेस और खेल किट वितरित की गई, शुभकामनाएं दी गई। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा ओलंपिक, करीब 120 खिलाड़ियों का दल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इम्फाल में 15 दिवसीय समर चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का हुआ समापन, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके समापन समारोह में शामिल। स्थापित बच्चों के लिए आयोजित की गई थी वर्कशॉप, बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। स्थापित बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, नृत्य और नाटक के माध्यम से बच्चों ने भव्य प्रस्तुति दी।